गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू कि हाउ डिड द नरेटर ही गॉट द डोंकी एज अ गिफ्ट. ओके एंड ही वॉज वेरी मच अमेज, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स दे डेकोरेटेड द डोंकी एंड ब्रॉट द डोंकी इन टू हिज रूम. ओके एंड जेरी इज द नेम ऑफ द नरेटर. ओके नाउ सी, तो मदर ने उसे पूछा था डू यू लाइक इट जेरी. नाउ जेरी यू नो ही वॉज स्पीचलेस, ही वॉज स्टंड, ही वॉज अमेज्ड एंड ऑल. अब यहाँ से है डोंकी का डिस्क्रिप्शन कैसा था. रिच डार्क ब्राउन ऑलमोस्ट प्लम कलर, प्लम होता है ना बेयर डार्क ब्राउन कलर का वो, विद इनॉर्मस आईज लाइक लिलीज की तरह आंखें थी, वाइट सॉक्स ओवर टाइनी पॉलिश्ड हूव्स. हूव्स देखो ये जो खुर होते हैं उसके ऊपर ये देखो इनको बोला गया वाइट सॉक्स है ना. एज नीट एज डांसर्स शूज, और इतने नीट थे जैसे डांसर्स पहनते हैं ना बिल्कुल उस तरह के वाइट सॉक्स, वो वेरी नीट. रनिंग अलोंग हर बैक वॉज अ ब्रॉड ब्लैक क्रॉस, और देखो ये देखो है ना बैक पर क्या था, ब्रॉड ब्लैक कलर का क्रॉस था. राउंड ईच ग्रेट शाइनिंग आई शी हैड अ नीट वाइट सर्कल है ना, ये पूरा वाइट सर्कल सी लुक हियर. ओके विच शोर डेट शी केम फ्रॉम द विलेज ऑफ गस्तूरी. अब गस्तूरी क्या है, एक ओल्ड विलेज है बेटा वहाँ पे एंड इट इज़ बिल्ट ऑन अ हिल. ओके अबव सी लेवल. तो ये सारी अपीयरेंस बता रही थी कि विलेज गस्तूरी से वो आया है. यू रिमेंबर कैटरीनाज डोंकी डेट यू लाइक सो मच. मार्गो कहती है कि तुम्हें ध्यान है कैटरीना की शादी में गए थे वो कैटरीना का डोंकी है ना जो तुम्हें बहुत पसंद आया था, तो उसी डोंकी का वेल दिस इज हर बेबी है ना, उस डोंकी का ये बेबी है. दिस ऑफकोर्स मेड द डोंकी इवन मोर स्पेशल. द डोंकी स्टूड देयर च्यूइंग अ पीस ऑफ कलर्ड पेपर व्हाइल आई स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ बेड. ओके अब इससे जैसे ही उसने बताया द डोंकी यू नो इट बिकेम मोर स्पेशल. जेरी कहता है और डोंकी वहाँ खड़ा होकर च्यू कर रहा है. व्हाट इज च्यूइंग, ईटिंग, चबा रहा है ना पीस ऑफ कलर्ड पेपर. और मैं स्क्रैम्बल होता हूँ बेड से, यानी आई जस्ट क्लाइंब आउट ऑफ माई बेड. वेयर आई इंक्वायर ब्रेथलेसली ऑफ मदर वॉज आई टू कीप हर है ना. और कहते हैं एकदम ब्रेथलेसली, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो गया है ना, जैसे कई बार आउट ऑफ ब्रेथ इंसान हो जाता है विद एक्साइटमेंट. तो मैंने माँ से पूछा कि है ना वॉज आई टू कीप हर, मुझे इसको रखना है. दैट इज वॉट द हाउस कोस्टर्स बिल्ट इज फॉर. ओके और इसी वजह से तो वो हाउस बनाया है. हाउस ध्यान है ना यहाँ पर बना रहे थे कोस्टर्स ने बनाया था ना ये हाउस, बैम्बू हाउस, समझ में आया बेटा. तो ये किसके लिए बनाया था, स्पेशली फॉर दिस डोंकी. और मदर जेरी को सरप्राइज देना चाहती थी. I was beside myself with delight. Okay, now he was overjoyed. He overcame with delightness. बहुत खुशी से है ना. What a noble, kindly family I had. How cunningly they had kept the secret from me. How hard they had worked to deck the donkey out in its finery. अब उसको लगा कितनी नोबल काइंड फैमिली है उसकी, कितने कनिंगली उन्होंने वो सीक्रेट उससे छुपा के रखी, कितना हार्ड वर्क उन्होंने करा इस डोंकी को डेकोरेट करने में है ना, क्रेप पेपर से क्रिसमस डेकोरेशन ऑफ फेदर्स राइट स्लोली एंड जेंटली एज दो शी वॉज सम फ्रेगाइल पीस ऑफ चाइना. और फिर मैंने धीरे धीरे बड़े जेंटल मैनर में है ना, जैसे कि वो कोई फ्रेगाइल, फ्रेगाइल किसको कहा जाता है, फ्रेगाइल बोला जाता है जो बड़ा डेलिकेट सा होता है ना, ईजिली टूट जाता है ना, तो जैसे कोई फ्रेगाइल पीस ऑफ चाइना है ना, जैसे चीनी के कप वगैरह होते हैं बड़े फ्रेगाइल होते हैं ना, बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है. तो सिमिलरली मैं उसको आगे लेकर गया थ्रू द गार्डन, गार्डन से लेकर गया एंड राउंड इन टू द ऑलिव ग्रोव. पूरा वो ऑलिव ग्रोव था ना, पूरा वो जैतून के पेड़ों का झुंड बना हुआ था. ओपन द डोर ऑफ द लिटिल बैम्बू हट, इस बैम्बू हट का डोर खोला एंड टुक हर इनसाइड. द लिटिल हाउस वॉज स्प्लेंडेड. अब अंदर से जो हाउस बना था इसके लिए इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, बिग इनफ फॉर हर, इतना बड़ा था डेट शी कैन स्टे. आई टुक हर आउट अगेन, फिर वहाँ से उसको वापस बाहर निकाला. टाइड हर टू एन ऑलिव ट्री, एक ऑलिव ट्री से मैंने टाई करा एंड देन स्टेड फॉर हाफ एन आवर इन अ ड्रीम लाइक ट्रेंस. ओके और जैसे ड्रीम लाइक ट्रेंस, जैसे कोई सपना देख रहा हूँ, बड़ी बी वाइल्डर्ड कंडीशन थी है ना. और उसको मैं एडमायर करता रहा फ्रॉम एवरी एंगल वाइल शी ग्रेस्ड क्वाइटली. ग्रेजिंग यानी वो अपना चारा जो थी वो खा रही थी वो डोंकी
देन आई हर्ड मदर कॉलिंग मी इन टू ब्रेकफास्ट एंड आई साइड विद सेटिस्फेक्शन। और फिर जेरी को मदर की आवाज़ आई, शी कॉल जेरी फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने साइज टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेथ है ना, तो मैंने सांस ली विद सेटिस्फेक्शन। आई हैड डिसाइडेड दैट विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर दिस वाज द फाइनेस्ट डोंकी द होल ऑफ कॉर्फू। और जेरी कहता मैंने डिसाइड कर लिया, कोई डाउट नहीं, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट डोंकी कॉर्फू में था। फॉर नो रीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ आई डिसाइडेड टू कॉल हर सेरी। ओके, और बिना किसी रीजन के मैंने सोच लिया कि आई एम गोइंग टू गिव हर द नेम शेली, सैली सॉरी। आई गेव हर अ क्विक किस ऑन अ सिल्किन मजल। मैंने शैली को क्विक किस करा उसके सिल्किन मजल, मजल मालूम है ना आगे का पार्ट दैट कवर्स द नोज माउथ नॉस्ट्रल्स है ना। और देन आई वेंट इन टू ब्रेकफास्ट, देन आई वेंट इन साइड फॉर माई ब्रेकफास्ट। यानी दिस लिटिल जेरी ही गॉट द बर्थ डे, द बेस्ट बर्थ डे प्रेजेंट दैट ही डिजर्व। ओके, दैट ही वॉन्टेड, दैट ही विश्ड।